अगर आप स्टॉक आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो शुरू करने से पहले जानना जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स अभी मार्केट को लीड कर रहे हैं, इसलिए कि सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक्स हमेशा लीडिंग सेक्टर्स और इंडस्ट्री ग्रुप से ही आते हैं और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च से पता चलता है किसी लीडिंग स्टॉक के 37% प्राइस मूवमेंट सीधे उस स्टॉक के इंडस्ट्री ग्रुप के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं और 12% ओवरऑल सेक्टर की स्ट्रेंथ से जुड़े हैं। एक सेक्टर इस केस में रिलेटेड इंडस्ट्री ग्रुप्स का एक कलेक्शन होता है। ओवरऑल ये मतलब है कि लगभग एक लीडिंग स्टॉक के प्राइस परफॉर्मेंस का आधा हिस्सा उसके इंडस्ट्री और उसके सेक्टर से जुड़ा हुआ है। मार्केट स्मिथ के फाउंडर विलियम ओ नील ने अपनी खुद की इंडस्ट्री ग्रुप सिस्टम को क्रिएट करना चाहा क्योंकि उन्हें एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर्स बहुत ब्रॉड और इम्प्रेसाइज लगता था। आफ्टर ऑल मोस्ट कॉमनली साइटेड सेक्टर सिस्टम सभी स्टॉक्स को बस कुछ ही सेक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं जहां बहुत सारे अनरिलेटेड बिजनेसेस भी आ जाते हैं। ओ नील को एक बेहतर सिस्टम चाहिए था जिससे उन्हें बिल्कुल पता चले कि पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है, इसलिए उन्होंने 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स क्रिएट किए जिससे स्टॉक्स को एक्यूरेट ग्रुपिंग्स में सॉर्ट कर सके। सभी स्टॉक्स को उन 197 ग्रुप्स में सॉर्ट करने के बाद हम इन्हें प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं जिसमें सबसे रिसेंट 6 मंथ्स को ज्यादा वेटेज देते हैं। मार्केट स्मिथ के इवैल्यूएशन पेज पर जाने के बाद आपको चार्ट के ऊपर ग्रुप रैंक दिखाई देगा। सभी 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स को 1 से 197 तक रैंक किया जाता है जहां 1 बेस्ट है और 197 वर्स्ट होता है। ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए बेहतर है कि वो टॉप 40 या 50 इंडस्ट्री ग्रुप्स पर फोकस करें। अगर आप स्टॉक चार्ट के क्विक व्यू को ओपन करते हैं तो आप यहां इंडस्ट्री ग्रुप का नाम देख सकते हैं। अगर आप समरी सेक्शन तक जाते हैं तो आप इंडस्ट्री ग्रुप नेम और रैंक भी देख सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप रिलेटेड टैब पर क्लिक करके उस इंडस्ट्री ग्रुप में दूसरे स्टॉक्स को देख सकते हैं। ये आपको पता लगाने में मदद करेगा कि वो इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री ग्रुप नेम पर क्लिक करते हैं तो आप उस इंडस्ट्री ग्रुप का चार्ट देख सकते हैं जिसमें सिलेक्टेड टाइम फ्रेम के सारे इंक्लूडेड स्टॉक्स की प्राइस एक्शन दिखाई देगी। ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को विजुअलाइज करने में मददगार होता है क्योंकि इससे आउटलायर्स के परफॉर्मेंस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्मूथ कर दिया जाता है। आप स्टॉक्स टैब पर क्लिक करके उस ग्रुप में सारे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। अब आप कैसे पता लगाएं कि किस सेक्टर में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं? आप आइडियलिस्ट पेज पर जा सकते हैं और मार्केट स्मिथ स्टॉक स्क्रीन सेक्शन के अंतर्गत इंडस्ट्री ग्रुप रैंक अप नाम का लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इस लिस्ट में वो स्टॉक्स शामिल होते हैं जिन इंडस्ट्रीज के ग्रुप रैंक में पिछले हफ्ते से कम 15 पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। आप हमारे फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करके हाई ग्रुप रैंक वाले स्टॉक्स को भी खोज सकते हैं। बस बिल्ड योर स्क्रीन सेक्शन के अंतर्गत फिल्टर इंडिया स्टॉक्स पर क्लिक कीजिए, फिर फिल्टर पर क्लिक करें और मार्केट स्मिथ रेटिंग्स के अंतर्गत ग्रुप रैंक फिल्टर को अप्लाई करें। इस टूल का उपयोग करके आप अलग अलग स्कैन्स के विभिन्न कॉम्बिनेशंस का भी उपयोग कर सकते हैं।